नमस्कार दोस्तों, मैथिली विलेज रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम फिर से आए हैं एक नए वीडियो के संग, तो आप सबको दिखाएं क्या हम बनाएंगे। इसमें वीडियो थोड़ा कम बना रही हूं दोस्तों, क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ा कम ठीक चल रही है, इसलिए हम नहीं बना पा रहे हैं। तो आज हम आप सबको फिर से आए हैं बना कर दिखाएँगे, तो आप सब देख सकते हैं हम क्या बनाएँगे। तो देखिए दोस्तों, ये किस चीज़ का पेड़ है आप सबको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, एक कटहल का पेड़ है दोस्तों, और ये देखिए काफ़ी बड़ा पेड़ है। और ये एकास का जो फल लगा हुआ है ऊपर ही लगे हुए हैं, नीचे नहीं लगा हुआ है। इस साल पहले तो नीचे लगता था, इसमें साल देख सकते हैं ऊपर लगा हुआ है और दूर दूर पे लगा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। ये देखिए, इसका कलर जो है थोड़ा सा पीले रंग का है। तो इसी की रेसिपी बनाएंगे दोस्तों, इसी से हम तोड़ेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा वही तोड़ेंगे। एक काफ़ी ऊपर है, इसे चढ़ कर तोड़ा जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से कटहल फटता है, ढाई में ही फटता है इस तरह से। इससे दस में देखिए बारिश नहीं हुई कटहल, इसलिए देखिए पानी नहीं पा रहा है, देखिए सूख रहा है। और देखिए छोटा वाला सूख गया है काफ़ी। तो ऐसे ही कटहल देखिए दोस्तों फटता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये सामने पे है वो भी फरा हुआ है, वहाँ पर देखिए वो हरा वाला है, उसका कलर एकदम हरा हरा है, देख सकते हैं आप लोग। हम उसी में के नहीं तोड़ेंगे, इसी में के तोड़ेंगे दोस्तों, इसी में तोड़ के लेकर चलेंगे, इसी की रेसिपी बनाएंगे, आप सबको दिखाएंगे कैसे बनाएंगे क्या बनाएंगे। तो आप सबको हम इसे तोड़ के ले चलेंगे घर पे, तब आप सबको हम दिखाएंगे और बनाएंगे भी। तो कटहल को हम काट कर घर लेके आ गई हूँ, देख सकते हैं अभी तक इसमें देखिए दूध निकल रहा है अभी, क्योंकि ताज़ा कटा हुआ है ये। इसे हम फराने लिए हैं, इसी से हम काटेंगे। आप चाहे इससे काट सकते हैं, ताम फराने से काटने में आसानी होता है। तो इसमें हमने सरसों का तेल लगा दिया है ताकि इसमें जो दूध होता है चिपके ना, और हाथों में भी लगा लिया हुआ है। और इसी के सारे संग काटेंगे, पहले हम इस तरह से काट लेती हूँ। कटहल को हम देख सकते हैं इस तरह से काट लिए हैं, हमने एक टुकड़ा काटा हुआ है अभी, देखिए बहुत सारे दूध निकल रहे हैं इसमें। और भी काट लेती हूँ, तो कई टुकड़े में काटेंगे तो काटने में आसानी हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं इसी हम टुकड़े टुकड़े में काटेंगे, ताकि छीलने में भी आसानी हो जाएगा और काटने में आसानी हो जाएगा। इसी के सारे से हम इसे काट लेते हैं। तो कटहल को हम टुकड़े में काट लिए हैं, और उससे जो बीच वाला भाग होता है तो ये थोड़ा टाइट होता है, इसे हम काट के निकाल देते हैं। तो इसी अम्फरिंग से ही काट के इस तरह से निकाल देते हैं, आसानी से निकल जाएगा, बहुत ही आसानी से होता है इसे काटने में। और इसका छिलका हम निकाल लेते हैं इसी से, इस तरह से छीलने में भी आसानी हो जाएगा। छील के हम बर्तन में रखते जाएंगे। यहाँ पर हमने कटहल का छिलका उतार लिया है, इसका जो बीज वाला टाइट वाला भाग उसे निकाल दिया था, जो थोड़ा बहुत है चाकू से निकाल देती हूँ। तो जो इसका बीज वाला भाग होता है, हम लोग इसे हड्डी कहते हैं, ये बहुत टाइट होता है, ये खाया नहीं जाता है, इसे काट निकाल दिया जाता है। अब इसे हम टुकड़े में काट लेती हूँ, छोटा बड़ा जितना बड़ा आप टुकड़ा काटना चाहे काट सकते हैं। तो मैं इतना बड़ा काट रही हूँ क्योंकि हम बनाएँगे अचार, थोड़ा सा बड़ा ही बनाएँगे। तो इस तरह से हम पहले काट लेती हूँ सभी कटहल को, और पानी में काट कर रखते जाएँगे इसे। कटहल को हम टुकड़े में काट लिया है, अब इसे हम दो पानी से अच्छे से धोकर साफ करेंगे। एक पानी में मैं धो रही हूँ, एक पानी और धोएंगे। ऐसे धोकर साफ कर लेती हूँ, जो इसमें धूल मिट्टी लगी होगी काटने में भी है, इस तरह से साफ हो जाएगा कटहल। तो कटहल हमारा लगभग 5-6 किलो का कटहल था, तो हमने थोड़ा सा रखा हुआ है, 1 किलो रखा हुआ है, सब्जी बनाएंगे और बाकी अचार बनाएंगे। और इसमें हड्डी और छिलका बहुत ज़्यादा निकलता है, इसमें कम लगभग हमारा एक कटहल 2 किलो बचा हुआ है, जो हमने काटे हैं, काटने में 2 किलो है। अच्छे से हम इसे धोकर साफ कर लेती हूँ, उसके बाद हम चूल्हे के पास चलते हैं। चूल्हे में आग जला दिया है, चूल्हे पर रख दिया है भगोना, अब भगोना रख दिया है पानी, ज़्यादा नहीं डाले हैं, 1 लोटा पानी डाले हुए हैं। और इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर, लगभग 2 चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर, पानी में से अच्छे से घुल जाएंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे ताकि कटहल में नमक भीना रहेगा, अचार हमारा अच्छे से बनेगा, वो है कटहल काला नहीं होगा। इस तरह से थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, पानी को हम गर्म होने देते हैं। गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे कटहल को, तो सभी कटहल को हम डाल देते हैं। हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, बस एक उबाल तो आने तक उबाल लेंगे, ताकि कटहल हमारा नरम हो जाए, कटहल टाइट होता है, हल्का सा नरम हो जाएगा, तो हम इसे उतार देंगे। सभी कटहल को हम इसमें डाल देते हैं। सभी कटहल को मैंने देखिए भगोले में रख दिया है, अब इसे हम ढक्कन लगा के ढक देते हैं, इसे एक उबाल आने तक उबाल लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं उबालेंगे, इसे हम ढक देते हैं, उबलने देते हैं। कटहल को हम थाली उठा कर देख लेते हैं हमारा कटहल पका है कि नहीं। तो ये देखिए लगभग 3 मिनट हो चुका है उबलते हुए, अब ये कटहल भी हमारा काफ़ी नरम हो गया है, इसे देख लेती हूँ एक बार हाथों से दबा कर। ये देखिए ये नरम हो गया है, ज़्यादा हमें नहीं उबलना है, बस नरम करना है, और गर्म है,
देख सकते हैं ये नरम हो गया है। अब कटहर को भगोने को नीचे उतार लेती हूँ। इसे हम एक बर्तन में पल लेती हूँ। ऐसे ही कंछुल के सारे से हम निकाल लेंगे, जिसका पानी है वो नीचे रह जाएगा और जो कटहर है इस तरह से निकाल लेती हूँ। तो सभी कटहर को हमने निकाल लिया है, देख सकते हैं ज़्यादा पानी नहीं सूखा हुआ है। देखिए पानी नहीं जितना डाला हुआ था उतना ही है, थोड़ा सा कम हुआ है बस। अभी इस थाली में भी पानी निकलेगा, इसे हम धूप में ले चलते हैं फैलाएंगे सूखने के लिए। यहाँ पे खाट पे हमने कपड़ा फैलाया हुआ है, इसे हम फैला देते हैं ताकि इसका पानी जो है सूख जाएगा। लगभग 2-3 घंटे हम सूखवाएँगे तो पानी हमारा अच्छी तरह से सूखा रहेगा, तो अचार हमारा ख़राब नहीं होगा। इस तरह से हम फैला देते हैं, क्योंकि गर्म है, मैं कंछुल को सारे से ही फैला देती हूँ। देख सकते हैं कटहर हमारा सूख चुका है, 3-4 घंटे बीत चुका है और देखिए इसका पानी एकदम सूख चुका है। पूरी तरह से नहीं सूखा हुआ है, नरम है ये। इसका पानी जो लगा हुआ था पूरा सूखा हुआ है। तो हमने देखिए थाली में उठा लिया है, तो हमने पूरा नहीं उठाया हुआ, थोड़ा सा और रख दिया है। हम सिरका में डालेंगे क्योंकि उसे सूखवाएँगे और सिरका में डाला जाएगा। तो इस तरह से सूखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिए हैं मसाला, आप सबको दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने लगभग 100 ग्राम सौंफ लिया हुआ है साबुत, और यहाँ पे 100 ग्राम धनिया है साबुत, 2 चम्मच हमने जीरा लिया हुआ है, 1 चम्मच मेथी है और 1 चम्मच कलौजी है, और एक लगभग 1 चम्मच साबुत गरम मसाला हमने लिया हुआ है। तो इसमें गरम मसाला डाल के बनाऊँगी। और यहाँ पे हमने लिया हुआ है सरसों, लगभग 50 ग्राम सरसों है, काली वाली है या चाहे पीली वाली भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं काली वाली ली हूँ, इसी हम डालेंगे। और सरसों का तेल लिया हुआ है और हल्दी पाउडर है, और यहाँ पर मिर्चा पाउडर है। यहाँ पर मैंने मिर्ची को कूट के रखा हुआ है, इसी के डालेंगे। तो पहले हम आग जला लेते हैं, मसाला को भून लेते हैं। चूल्हे में आग को हमने जला दिया, चूल्हे पर रख देते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल के मसाला डाल देते हैं। तो एक साथ ही मसाला डाल के हम पूरा भूनेंगे। सरसों को हम अभी नहीं डालेंगे, तो सरसों को ज़्यादा नहीं भूनेंगे। पहले हम मसाले को भून लेते हैं, उसके बाद सरसों इसमें डालेंगे। तो देख सकते हैं मसाला हमारा भून चुका है लगभग, इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। मसाला जब भून जा रहा है तो इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, कलर भी चेंज होने लगा है धीरे धीरे। ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, ना ही कम भूनेंगे, मीडियम साइज में भूनेंगे। तो हल्का सा और भून लेते हैं, उसके बाद हमें निकाल लेते हैं। तो मसाला हमारा भून चुका है, इसे हम निकाल देते हैं कढ़ाई में से। इसमें सरसों डालेंगे हम, मसाले को हम निकाल लिए हैं, डाल लें सरसों। सरसों को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का ही भूनेंगे। सरसों हमारा भून चुका है, ज़्यादा हमने नहीं भुना हुआ, बस हल्का सा ही भुना हुआ है। सरसों को हम निकाल लेते हैं। सभी मसाले को हमने भून लिया, सरसों भून के निकाल लिया है, ठंडा हो रहा है। तो कढ़ाई में डालते हैं सरसों का तेल। कढ़ाई हमारी गर्म है, आग हमने एकदम बुझा दिया है। तो तेल को हम डाल देते हैं, तेल हमारा गर्म हो जाएगा, जो इसका कच्चापन है थोड़ा सा निकल जाएगा। और इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि पहले हमने हल्दी डाला हुआ है। तो हल्दी को डाल के अच्छे से मिला देते हैं, ऐसे भी ये गर्म रहेगा, हल्दी भी पक जाएगी थोड़ा सा। सिलबट्टे के पास आया कि मसाले को पीस देती हूँ। तो पहले हम सरसों को पीसेंगे, सरसों को एकदम दरदरा ही पीसेंगे, ज़्यादा महीन नहीं करेंगे, हल्का ही पीसेंगे। तो सरसों को हमने पीस लिया है, हमने देखिए इतना दरदरा पीसा हुआ है, ज़्यादा महीन नहीं पीसा हुआ है। अभी हम मसाले को रख के पीस लेते हैं, ये भी ज़्यादा महीन नहीं पीसेंगे, हल्का दरदरा ही पीसेंगे, क्योंकि ये जो अचार का मसाला होता है हल्का सा दरदरा रहता है, तो काफ़ी टेस्टी होता है। और ये भुना हुआ मसाला होता है तो बहुत आसानी से पीसा भी जाता है, पीसने में बहुत आसानी होता है, इसी हम इसे पीस लेते हैं। तो मसाला को हमने पीस लिया है, ज़्यादा महीन नहीं पीसा हुआ, देखिए सकते हैं इतना हल्का दरदरा ही पीसा हुआ है, क्योंकि अचार मसाला दरदरा पीसा जाता है। इसे हम उठा लेते हैं। मसाला को हमने पीस लिया है, हाथ कढ़ाई को हमने नीचे उतार दिया था, वहाँ तेल भी हल्का ठंडा हो चुका है। पहले मसाले को हम एक मिला लेते हैं, सरसों को इसमें मिला लेते हैं, और यहाँ मिर्चा पाउडर है, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं, घर का कूटा हुआ लाल मिर्चा है।
तो यहाँ पर मिर्चा और सरसों जो हमने पिसा हुआ था उसमें एक सभी मसाले मिला लेते हैं। तो कटहल लें, कटहल को हम कढ़ाई में डाल के ही मिलाएंगे, इसी में डाल के अच्छे से मिलाएंगे। तेल हमारा ठंडा हो चुका है, सारे कटहल को हम डाल देते हैं। तो कंछुर को सारे से पहले हम तेल में अच्छे से कटहल को मिला देते हैं, अच्छे से तेल में भिगो देते हैं। इसके बाद हम मसाला डालेंगे। तो कटहल में हमने देखे तेल से कटहल को भिगो दिया है, अब हम डालेंगे मसाला। तो मसाले को डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। मसाले को हम डाल देंगे, इसमें डालेंगे नमक। नमक हमने कटहल में भी डाला हुआ था थोड़ा सा, लेकिन डालेंगे और तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे ताकि मसाले में और कटहल जो है नमक रहेगा तभी अचार अच्छा लगेगा खाने में। तो नमक और मसाले को अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेते हैं। देख सकते हैं कटहल का अचार हमारा बन के एकदम रेडी हो चुका है। हमने मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छे से देखिए बना हुआ है, एकदम से काफ़ी टेस्टी बना हुआ है। एक कटहल का अचार देखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में काफ़ी टेस्टी बना हुआ है। वेदिका ने हमारा अचार खाकर बताया बहुत ही अच्छा आ रहा है मम्मी, वो दोबारा लेकर गई खाने के लिए। ऐसे हम डिब्बे में भर कर रखेंगे, तो यहाँ पर हम डिब्बा लिए हैं, तो प्लास्टिक का डब्बा है। आपके पास चीनी मिट्टी का बर्तन हो उसमें रखेंगे, कांच के बर्तन में रख सकते हैं। हमारे पास प्लास्टिक का बर्तन है, इसी में रखेंगे, इसमें भी ख़राब नहीं होगा। आप इस तरह से बना के रख देंगे तो हम लोग इसी में रखते हैं। आपके पास जो बर्तन हो उसमें रख सकते हैं। थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देते हैं डब्बे में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालेंगे। तेल को हम डाल दिए हैं तो डब्बे में इस तरह से पूरी तरह से फैला देते हैं, ताकि डिब्बे में तेल लगा हुआ रहेगा, अचार हमारा ख़राब नहीं होगा। तेल को हमने डब्बे में डाल अच्छे से फैला दिया है, अब अचार को हम डब्बे में भर कर रख देती हूँ। इस तरह से भर कर रख देंगे तो अचार आपको साल भर खाएंगे, इस तरह रखेंगे, ख़राब कभी ख़राब नहीं होगा। इसको पानी नहीं लगा होगा तो ख़राब नहीं होगा। आप जब भी अचार निकालें या चम्मच से निकालें या सूखे हाथ से निकालेंगे तो ख़राब नहीं होगा, काफ़ी दिन तक चलेंगे। अभी दो चार दिन इसे रखे रहेंगे, अच्छे से जब मसाला भीग जाएगा तब और अच्छा आएगा खाने में। अभी मसाला अंदर तक नहीं भीना हुआ है। तो सभी अचार को इस तरह से डब्बे में भर लेते हैं। सभी अचार को हमने इस डब्बे में भर कर रख दिया है, देख सकते हैं कितना अच्छा से अचार हमारा दिख रहा है, काफ़ी टेस्टी बना हुआ। दोस्तों इस तरह से आप लोग भी बनाएंगे तो कटहल का अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तो गांव में हम लोग इसी तरह से अचार बनाया करते हैं और इस तरह साल भर रख देते हैं, ख़राब भी नहीं होता है, खाने में काफ़ी टेस्टी होता है कटहल का अचार। आप इसे जब मन करे तब खा सकते हैं, दाल चावल रोटी के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इस तरह से आप लोग बनाकर जरूर खाइएगा दोस्तों। आज हम बनाए थे कटहल का अचार था। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।